है एवरी वन आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टूडेज न्यू एनालिसिस वीडियो सो आज का डेट है टेंथ ऑफ फेब सैटरडे एंड करेंट टाइम इज़ टू सिक्सटीन पी एम सो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे मार्केट्स थोड़ा सा अनसर्टेन रहा है फर्स्ट द मार्केट है शोन द सेलिंग बिहेवियर जिसके बेस पर आई वॉज वेटिंग फॉर द सेलिंग एग्जीक्यूशन बट अल्टीमेटली मार्केट में एक बाउंसबैक यहाँ पर देखने को मिला तो कोई भी ट्रेड को फर्दर फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में प्लान नहीं किया गया सो so, चार्ट्स के थ्रू अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो प्रीवियस डे एनालिसिस वीडियो में भी मेंशन किया था कि अगर मार्केट इंट्रा लो को देखे टेस्ट कर जाता है तो फिर वहां पर सेलिंग साइड का पोजीशन लिया जाएगा सो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि जो प्रीवियस डे का इंट्रा डे लो था सबसे पहले मार्केट ने ओपनिंग में टेस्टिंग किया एंड देन प्राइसेस बाउंस बैक किया सो द कंडीशन डिजेंट मीट की सेल चलो मार्केट बाउंस बैक कर गया है तो अगर हाई लेवल सस्टेन करेगा तो सेलिंग साइड का केस वैसे भी नहीं लिया जाएगा बट अगेन मार्केट इंट्रा हाई का क्रिएशन किया एंड अगेन इंट्रा डे लो टेस्टिंग को तो ठीक है मार्केट्स ने थोड़ा सा टेस्टिंग करके ब्रेक भी किया अगेन बाउंस बैक के बाद जब अगेन मार्केट सेम लेवल पर देखेगा आ गया तो इट वॉज कन्फर्म की मार्केट सेलिंग बिहेवियर क्रिएट कर रहा है एंड इट कैन बी अ सेलिंग डे सो आई वॉज वेटिंग देखिए मार्केट्स कंडीशन अगर हमारा जो प्रीवियस डे एनालिसिस होता है जैसे हमने प्रीवियस डे पर भी एनालिसिस को ट्रेड किया ऐसे ही रेगुलर जो ट्रेडिंग प्लान होता है अगर उसके अकॉर्डिंग कोई कंडीशन बनता है तो ज़्यादा प्रिफरेंस या उसी पर एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट सेशन में लाइव मार्केट में किया जाता है तो जैसे आज के दिन इंट्रा लो टेस्ट हो गया तो फिर डेफिनेटली आज के दिन आई वॉज गोइंग टू मेक अ सेलिंग पोजिशन बाइंग साइड अगर मार्केट जाएगा भी तो फिर आप बाइंग साइड का पोजिशन नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इंट्रा डे लो का टेस्टिंग हो गया है तो सिमिलर बेस पर देखिएगा जब मार्केट थर्ड टाइम टेस्टिंग के लिए आ गया तो इट वॉज कंफर्म्ड अगर इस पॉइंट तक अगर मार्केट्स को देखेंगे तो ओवरऑल जो कंडीशंस है वो सेलिंग एंड ही चल रहा है एंड प्रीवियस डे भी देखेंगे तो मार्केट्स ने क्या किया अपने मेजर फ्लो को ब्रेक किया है एंड जिस तरह का देखिएगा एफ आई डेटा आ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं हर एक ट्रेडिंग सेशन में तो इट वॉज़ एक्सपेक्टेड कि ये फ्लो अभी ब्रेक हुआ है एंड अगर इंट्रा डे लो का टेस्टिंग होता है तो मार्केट कैन अगेन क्रिएट अ शार्प फॉल तो इसी बेसिस पर आई वॉज़ वेटिंग फ्रॉम द मॉर्निंग कि अगर सेलिंग साइड का बिहेवियर बनेगा तो सेलिंग साइट का पोजीशन लिया जाएगा एंड आज के दिन इसका कंफर्मेशन क्रिएट हुआ इंट्रा डे लो के टेस्टिंग के साथ तो इसी बेस पर आप सभी के साथ भी टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर किया गया सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ अगर फ्राइडे सेशन का पोस्ट देखेंगे तो 11 बजे इसको शेयर किया गया कि सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड नॉट इमीडिएटली बट इन टूडेज ट्रेडिंग सेशन तो देखिएगा इस पोस्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट इस टाइम पर जैसे मैंने आप सभी को मैंशन किया कि थर्ड टाइम टेस्टिंग के लिए आया था तो टेक्स्ट को देखिएगा क्या मैंशन किया गया कि सपोर्ट ब्रेकडाउन ये सपोर्ट मार्किंग किया गया कि इसका ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है एंड कंटिन्यूशन एक्सपेक्टेड है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ शार्प फॉल बट यहां पर देखेंगे तो नॉट इमीडिएटली बट इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन कि इमीडिएटली क्यों एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी सेलिंग स्विंग का क्रिएशन कर चुका है तो अगर ये सेलिंग स्विंग है और कंटिन्यूस वे में अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट इतना बड़ा सेलिंग स्विंग ऑलरेडी बना चुका है तो इस स्विंग के लो पर अगर सेल करेंगे तो इट विल बी नॉट अ गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड तो इसी बेस पर ये लो ब्रेक हो गया कंटिन्यूअसली आज के दिन तो यहाँ पर पोजिशन नहीं लिया गया कि ये सपोर्ट्स को मार्क किया गया था एंड इसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया कंटिन्यूसली सेलिंग स्विंग में सपोर्ट्स को ब्रेक किया है अब इसके बाद बाउंस बैक किया तो आई वाज अगेन वेटिंग कि अगेन अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है कंटीन्यूअस फिर से ब्रेक करता तो पोजीशन सेलिंग स्विंग में गिरते हुए मार्केट में नहीं बनाया जाता है आई ऑलवेज से अगर देखिए किसी भी स्विंग के अगर लो पर आप सेल कर रहे हो तो वो बहुत रिस्की ट्रेड होता है कि मार्केट थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा एंड यू विल बी आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रेड सो इसी बेस पर आई वॉज वेटिंग कि चलो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो बट मार्केट अगेन सपोर्ट्स तक आया ही नहीं इतना दूर रिट्रेसमेंट हो गया नियर दी इंट्रा डे हाईस चला गया तो अगर इसके नीचे से भी रिवर्स होता तो देर वॉज अ प्रोबेबिलिटी अगेन मार्केट सेकेंड सेशन में गिर सकता है सपोर्ट ब्रेक डाउन कर सकता है बट अगर रिवर्सल इंट्रा डे हाई तक हो जाए तो दोबारा फिर एक ही ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट ब्रेक डाउन करना एक और नया इंट्रा डे लो क्रिएट करना इज नॉट अ गुड प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में ऐसा अब होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी रिवर्स करके हाइज का टेस्टिंग कर दिया है तो इसी बेस पर इस पॉइंट तक वेट किया गया कि हो सकता है मार्केट सेकेंड हाफ में नीचे अगेन प्रोसीड करे बट मार्केट्स नहीं किया तो फर्दर कोई भी ट्रेड्स को नहीं लिया गया तो अगेन 1:43 पीएम तक वेट किया गया तो अगेन पोस्ट को अपडेट किया गया कि अनसर्टेन मार्केट्स है नो no ट्रेड्स टुडे पोस्ट देखेंगे तो मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा था मार्केट अगेन इंट्राडे हाई को इस पॉइंट तक टेस्ट कर दिया था और अब गिर रहा है तो आप कंटिन्यूसली सपोर्ट तक तो जाएगा नहीं तो देर इज नो साइंस ऑफ मेकिंग एनी पर्टिकुलर पोजिशन इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन तो इसी बेस पर देखिएगा आज के दिन कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट इस सेशन में नहीं किया गया एंड इट्स गुड कि मार्केट जहाँ पर बाइंग साइड गया है बट बाइंग साइड का जैसे एनालिसिस नहीं था और मार्केट बियरिश पैटर्न या सीनेरी उसको क्रिएट कर चुका था तो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा बाउंस सिंगल बाइंग स्विंग में आज के दिन आ सकता है तो इसी बेस पर इट्स बेटर जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है उसका ट्रेड ना ही लिया जाए तो इट्स ऑलवेज बेटर तो इसीलिए कोई भी ट्रेड यहां पर प्लान नहीं किया गया नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अगर देखेंगे सो so, जिस तरह का देखिए आज के दिन बाउंस बैक आया है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के दिन मार्केट बाउंस बैक किया और ऑल टाइम न्यू इंट्राडे हाई को मार्केट्स ने क्रिएट किया है सेकेंड हाफ ट्रेडिंग सेशन में सो वी आर कंसिडरिंग सपोर्ट जो है यहाँ पर अब क्रिएट हो चुका है मार्केट विल सस्टेन दिस सपोर्ट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये मेरा एक्सपेक्टेशन मार्केट से है कि अगले सेशन में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है जैसे सैटरडे है संडे है अभी एक दिन का हॉलीडे भी है तो आज सच न्यूज़ नहीं आया अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो जनरली वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू बी मोर ऑन टू द बाइंग साइड मतलब बाइंग साइड का अगर जो स्विंग होगा सेलिंग स्विंग भी बनेगा बाइंग भी बनेगा दोनों साइड एक्सपेक्टेड है ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्टेड नहीं है कि ओपन होकर के वन साइडेड चला जाए नो no. तो दोनों स्विंग क्रिएट होगा दोनों पैटर्न बनेंगे बट बाइंग साइड का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि बाइज मार्केट है अभी भी मार्केट बाइंग साइड के मेजर फ्लो में है एंड रिट्रेसमेंट के बाद जिस तरह का ये फ्राइडे के दिन बैक आया है फर्स्ट हाफ सेशन में इतना गिरने के बावजूद भी पूरा मोमेंटम रिवर्स करके अगेन लोस के काफ़ी ऊपर ऑल टाइम न्यू इंट्राडे हाई के साथ मार्केट क्लोज हुआ है सो क्लियर कट एक्सपेक्टेशन है कि बाइंग साइड का ही ट्रेड लेना विल बी अ बेटर प्रोबेबिलिटी स्विंग एग्जीक्यूशन तो इसी बेस पर यहाँ पर देखिएगा जो केसेस बनेंगे वो सिंपल से बनेंगे कि जब भी मार्केट ऐसा बाउंस बैक करके वन साइडेड ट्रेंडिंग क्लोज हो गया है तो अगर नीचे गिरेगा तो नॉर्मली ओपन होता है अगर इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होता है कि गैप डाउन के साथ ही अगर सपोर्ट टेस्टिंग हो जाता है तो फिर सेलिंग साइड का ओवरव्यू रहेगा अदरवाइज जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि मार्केट नॉर्मल ओपन होगा या थोड़ा बहुत भी गैप डाउन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप भी होता है और उसके बाद पहला सेलिंग स्विंग बनाता है तो इस सपोर्ट तक मार्केट गिरने वाला नहीं है तो इसी बेस पर जैसे ही अगर मार्केट गिरता है गैप अप होकर भी गिरता है गैप डाउन होकर के भी गिरता है तो जहां पर भी सपोर्ट पहला बनाएगा तो वी विल मेक अ बाइंग एग्जीक्यूशन डब्लू पैटर्न बनेगा सपोर्ट बनाएगा तो डायरेक्टली बाइंग साइट का पोजिशन लिया जाएगा तो ये सबसे पहला केस है और इसी केस के बनने की संभावना सबसे ज्यादा हाई है हाईएसट प्रोबिलिटी यही है कि ये केस बनेगा और इसी का एग्जीक्यूशन विल भी अ हाई प्रोबिलिटी ट्रेड अब ये पहला केस हो गया अब देखिए जो दूसरा केस हो सकता है कि अगर मार्केट क्या हो ओपन होकर के काफी बड़ा बाइंग स्विंग बना दे अगर देखिएगा इसमें भी कंडीशन है अगर बाइंग स्विंग थोड़ा छोटा बनता है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट रिट्रेस करेगा और सपोर्ट बनने पर बाउंस बैक को अगेन ट्रेड करेंगे क्योंकि बायस इज ऑफ द बाइंग साइड तो दूसरा केस ये हो गया तीसरा जो कंडीशन है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप हो जाए या फिर जो बाइंग स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अगर टेस्ट हो जाता है तो देखिए ऐसे मार्केट में जब काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ अगर ओपनिंग हो जाए फर्स्ट सेशन में काफ़ी हैवली अगर बायर्स डोमिनेट कर दे तो फिर इसके रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा नहीं है तो क्या करेंगे अगेन फिर एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट फिर हायर लेवल को ही होल्ड करेगा और फिर प्रॉपर अगर ब्रेकआउट आता है तो बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूशन लिया जाएगा सेलिंग साइड का एक केस कंसीडर करते हुए चलेंगे मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हो गया और फिर अगर सपोर्ट टेस्टिंग हो गया और सपोर्ट टेस्टिंग के बाद अगर बाउंस बैक कर जाएगा तो फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंट्रा डे हाई जो भी लगाएगा उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा तो ये चार केसेस हैं जो आज के दिन आप सभी के साथ शेयर किया गया अब इन चार केसेस में से आज रेगुलर प्रोसेस जैसे ये चार केसेस तो ठीक है कोई नया कंडीशन भी अगर अगले मार्केट्स में प्रेजेंट होता है तो जो भी केस लाइव मार्केट में बनेगा उसको आज अ रेगुलर प्रोसेस टेलीग्राम चैनल पर ओवरव्यू को शेयर किया जाता है तो रेगुलर लाइव मार्केट ओवरव्यू अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड करेंटली वी आर रनिंग दी ऑफर राइट नाउ की जैसे ट्वेंटी आवर सेशन में आपको ये सारी चीजें सीखने भी मिलेंगी एंड वहां पर अभी आपको सिक्स मंथ का टेलीग्राम चैनल का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा एंड फिफ्टी टू आवर्स सेशन इज द बेस्ट को स्टिल डे डिजाइन बाय मी इसमें आपको यहाँ पर वन ईयर का टेलीग्राम एक्सेस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो इन द कमिंग डेज टेलीग्राम एक्सेस देखिए विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कोर्सेज इन तो अभी कोर्सेज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ऑफर पीरियड का बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं एंड कोड 15 को यूज़ करना ना भूलें कूपन कोड सी ओ डी ई वन फाइव टू अवेल एडिशनल फिफ्टीन परसेंट ऑफ ऑन ऑल ऑफ़ द प्रोडक्ट्स तो सारी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं एंड ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे तो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट बाई टू ऑल एंड सी आ